Hi guys, welcome to Maharashtra MCA CET 2022 preparation video. So exam date is been out by CET cell 28th of June is your exam. ठीक है, तो एग्जैक्टली 90 डेज बचा हुआ है प्रिपरेशन को लेकर के. सो इन नेक्स्ट 90 डेज व्हाट यू हैव टू डू विल बी टॉकिंग दिस वीडियो. सो प्रिपरेशन वाइज टाइम टेबल आई विल बी गिविंग यू, सिलेबस पे बात करेंगे एंड क्रैश कोर्स के बारे में. ओके, और आज से आपको क्या चालू कर देना है प्रिपरेशन वाइज वो भी मैं बताने वाला हूँ. सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर महाराष्ट्र MCA CET एग्जामिनेशन. ओके, उसके पहले CET सेल ने एक और डेटा रिलीज़ किया हुआ है जो कि स्टैटिस्टिक्स है उनका, कितने लोगों ने एग्ज़ाम लिखा था और कितने लोगों को एडमिशन मिला हुआ है. तो उसको लेकर मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा. यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल. सो आगे के जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं वो आपको डेफिनेटली मिलते रहेंगे. ओके, सो बिफोर आई प्रोसीड फॉर द फर्दर थिंग्स फर्दर टॉपिक्स लेट मी टॉक यू अबाउट दी क्रैश कोर्स. तो MCA CET का क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है. सो दिस इज़ वॉट द करिकुलम यू विल बी गेटिंग. इफ यू आर मुंबई बेस्ड देन यू कैन ज्वाइन अस फॉर द क्लासरूम, और महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड नहीं हो तो आप लाइव के लिए ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लास ऑनलाइन. एंड दिस विल बी द कम्प्लीट करिकुलम फॉर योर प्रिपरेशन. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप, मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी यू कैन टॉक विद द फैकल्टी, फोन कॉल पे भी फैकल्टी विल गाइड यू कि भाई क्या टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, उस सेक्शन को कैसे डील करना है. बाकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो आपको फर्स्ट टू सेशन में ही मिल जाती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सेंटर नंबर इफ यू आर मुंबई बेस्ड. एंड ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. ओके, सो सब डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो डे वन से आज से जिससे मेरा आप ये वीडियो देख रहे हो क्या क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ. सबसे पहला काम है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग. जितने लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, मराठी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, गुजराती मीडियम और एनी अदर वर्नाकुलर मीडियम, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज 20 क्वेश्चन इंटू टू 40 मार्क्स के लिए आपका इंग्लिश आने वाला है, जिसके अंदर आपके 2 RC मिनिमम रहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बाकी ग्रामर वोकैब तो रहता ही है. सो द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस भी चालू कर सकते हो. उसमें सिर्फ आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना है गाइस, और कुछ भी नहीं, सिर्फ एडिटोरियल पेज. 40 मिनट्स लगेगा, 40 से 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर, ये आपको एक डेली के रूटीन में डालनी है. दिस इज़ वॉट यू हैव टू प्रिपेयर ऑन डेली बेसिस. उसके बाद कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे, दोज़ हु हैव जॉइन्ड अस फॉर द क्रैश कोर्स, तो आपको एक प्रॉपर वीडियो का पोर्टल मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती है, वीडियो का पोर्टल, हैंडआउट्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट. तो आप अगर आपने क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन किया हुआ है तो काइंडली टेक द एक्सेस ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज, क्योंकि ये प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. डोंट वेट कि बैच चालू होगी तो मैं प्रिपरेशन चालू करूँगा, बैच आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आ रही है. सो डोंट वेट टिल अप्रैल, ये सारे एक्सेस ले लो द मोमेंट यू विल ज्वाइन द बैच. कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का हैंडआउट्स और वीडियो है, आपको कॉन्क्रीट रिसोर्स स्पेसिफिक टू महाराष्ट्र MCA CET नहीं मिलेगा गाइस. ओके, आई एम राइटिंग CET सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, तो हर साल में CET के एग्जाम में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा और हैंडआउट्स भी मिलेगा. ग्रामर के वीडियोस और ग्रामर का हैंडआउट ये आपके पोर्टल से डाउनलोड करो. आगे मैं गाइड करूँगा पोर्टल लॉगिन करके कि क्या क्या आपको करना है. और एक RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन. उसके बाद है आपका मैथ्स. मैथ्स का जितने लोग का मैथ्स वीक है, या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या तो फिर आपका 10th 12th, या तो फिर मैथ्स देख के डर लगता है, तो आपको भी मैथ्स में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. स्पीड मैथ्स और परसेंटेज आपका हो गया, रेशो हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसके कंसेप्ट गो थ्रू कर लो. ठीक है ना, तो इतना काम आपको डे वन से करना है. तो डेली बेसिस पे ये तो ख़त्म करो. इंग्लिश भी आई एडवाइस कि पूरा वीडियो देख के फिनिश कर दो आपके वीडियो पोर्टल से. ठीक है, इतना काम आपको डेली बेसिस पे करना है गाइस. ओके, सो अगर आपके पास मेनूअर का डैशबोर्ड का एक्सेस है सो वेल एंड गुड, उससे पूरी चीज़ें फिनिश करो. अगर नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है डेली बेसिस पे. सो इतने लोगों ने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया हुआ है, ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तो उनके डैशबोर्ड पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है. एंड इन केस इफ यू वांट टू सी द प्रोग्राम देन ये वेबसाइट पर विजिट कर लो, या तो फिर यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट 10 डेज टाइम टेबल, क्रैश कोर्स टाइम टेबल आपका ये फर्स्ट 10 डेज का. ठीक है, सो फर्स्ट सेशन में आई विल बी गिविंग द कंप्लीट स्ट्रैटेजी पार्ट, पोर्टल पार्ट, ओवरव्यू क्या क्या करना है आपको, प्रैक्टिस क्या करना है, ई बुक्स है, प्री वर्क एंड पोस्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्री वर्क एंड पोस्ट वर्क पे कैसे वर्कआउट करना है. ओके, एंड बिफोर यू कम फॉर द लेक्चर यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोज़ फ्रॉम योर डैशबोर्ड. तो आपको वेन यू ज्वाइन द क्रैश कोर्स तो आपको वीडियो एक्सेस मिल जाएगा. फ्रॉम देयर यू हैव टू डू द प्री वर्क, देन पोस्ट वर्क में आपको प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट टॉपिक टेस्ट लिखने हैं.
ठीक है. सो एवरी वीक वी विल बी कवरिंग ऑल दी सेक्शन. इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, आपका लॉजिक हो गया, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट हो गया. तो ये मैंने पूरा टाइम टेबल नहीं दिया, फर्स्ट 10 डेज का टाइम टेबल दिया. बाकी का टाइम टेबल वंस यू ज्वाइन द क्रैश कोर्स जब स्टार्ट हो जाएगी तो बाकी के टाइम टेबल आपके डैशबोर्ड पे दिखेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट 5 डेज टाइम टेबल. ओके, सो दिस इज हाउ योर टॉपिक विल स्टार्ट. आपका अरिथमेटिक पहले चालू होगा मैथ्स में, इंग्लिश में आपका ग्रामर वाला पार्ट पहले चालू होगा, उसके बाद आपका लाइकवाइज लॉजिक में ट्रेडिशनल लॉजिक जो है आपका, जैसे कि डायरेक्शन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ये पहले चालू होंगे. ठीक है, सो ये फर्स्ट 10 डेज का टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है. और एट नॉ लेट्स टॉक अबाउट दी सिलेबस पार्ट. फर्स्ट इज योर मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि 30 क्वेश्चन आएगा इंटू 2 60 मार्क्स के लिए. सो इन दैट अरिथमेटिक विल बी डोमिनेटिंग. तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी काफ़ी आए थे, तो आपका अरिथमेटिक से ही ये सारे टॉपिक चालू होंगे. तो होमवर्क में आपको एक तो स्पीड मैथ्स, इसके अंदर से परसेंटेज, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, एवरेज, ये सारे बेसिक टॉपिक है जो आपको आगे अरिथमेटिक में काम आएंगे. तो ये गो थ्रू कर सकते हो आप मैथ्स से. बट स्पीड मैथ्स आपका कैलकुलेशन इन्हांसमेंट के लिए है, तो इसको देखने के बाद टेक द रैंडम नंबर एंड प्रैक्टिस ऑल टाइप ऑफ दी शॉर्टकट विच यू हैव लर्न इन द वीडियो. ठीक है, फिर अलजेब्रा आपका ये है, उसके बाद नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये भी मेजर चंक्स आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है, उसके बाद एडवांस मैथ्स, सेट थियोरी, फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन, तो ये सब चीज़ें अपन करेंगे. तो मैथ्स का सेक्शन, जितने लोगों का मैथ्स में लग रहा है कि भाई मेरा मैथ्स वीक है या मैथ्स से डर लग रहा है, सो डोंट नीड टू वरी, आपके पास पूरा पोर्टल का एक्सेस है. अगर वो भी आप अच्छे से देखना चालू करोगे तो आपको मैथ्स काफ़ी लेवल पर ईजी लगने लगेगा. दूसरा, आपका जो सेशन लाइव होता है वो बेसिक से फिर प्रैक्टिस लेवल पर जाता है. तीसरा, आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, आप आपके डाउट क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो फैकल्टी को. सो एक प्रॉपर जो मेंटरशिप होती है वो आपको एक कम्प्लीटली मिलती है, प्रोवाइडेड आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज डाउट तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रिपेयर करोगे, राइट. सो वो करना इंपॉर्टेंट. सो दिस इज व्हाट द टॉपिक वी विल बी प्रिपेयरिंग इन मैथमेटिक्स. नेक्स्ट इज इंग्लिश. जितने लोग मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम और एनी वर्नाकुलर मीडियम यू बिलोंग टू, आपको भाई इंग्लिश रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, उसके बिना अपना इंग्लिश में होगा नहीं. ठीक है ना, तो वो कैब के लिए अभी तक टाइम नहीं है, बट देन टू आई रिकमेंड वन बुक, वर्ड पावर मेड इजी. ये 75 डेज में ये बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो. अदरवाइज जो मैन्यूअल की आपकी इंग्लिश की बुक है उसमें से सारे वो कैब वाले सेक्शन को गो थ्रू करो. ग्रामर आपके पोर्टल पे हैंडआउट्स है, वीडियोज़ है, उतना सफिशेंट है, कोई भी बुक बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश को लेकर के. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, जंबल, इडियम्स एंड फ्रेजेस. सो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग करके अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो डेटा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश के अंदर. ओके, तो ये करना आप चालू कर दो रीडिंग पार्ट. लॉजिक में कोई टेंशन नहीं है, जब भी आपका लेक्चर होगा आप लेक्चर के साथ प्री वर्क करके फिर लेक्चर अटेंड करना और फिर प्रैक्टिस करना, आराम से लॉजिक हो जाएगा. ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के वी नीड टू लर्न ऑल काइंड ऑफ अ शॉर्टकट, तो आपको सारे शॉर्टकट सीखने को मिल जाएंगे. वर्बल क्रिटिकल को लेकर के आपको सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी. एंड एनालिटिकल को लेकर के आपका अप्रोच लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है ना, तो लॉजिक को लेकर बिंदास रहो. इफ़ यू हैव ज्वाइन मैन्यूअर तो आपको लॉजिक में भी एंड अदर सेक्शन में भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके एंड से इनपुट चाहिए, मतलब आप मेहनत करने के लिए रेडी रहो, प्रैक्टिस करने के लिए रेडी रहो, एंड द गाइडेंस एंड द स्ट्रैटेजी मेंटरशिप विच वी आर गिविंग यू, जस्ट फॉलो इट. ओके, डेफिनेटली अपना सिलेक्शन होगा, वी विल हिट गुड स्कोर. नेक्स्ट इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट. बहुत ही कम लोगों के पास कॉन्क्रीट डेटा है महाराष्ट्र सीईटी को लेकर के व्हेन इट्स कम टू द कंप्यूटर कॉन्सेप्ट. तो इसके वीडियोस भी है और इसके हैंडआउट्स भी आपके पोर्टल पे, एंड मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस है, उतना आप गो थ्रू कर लो, सफिशेंट है. ठीक है, अदरवाइज जो मैन्यूअल की आपकी इंग्लिश की बुक है उसमें से सारे वोकैब वाले सेक्शन को गो थ्रू करो. ग्रामर आपके पोर्टल पे हैंडआउट्स है, वीडियोस है, उतना सफिशिएंट है, कोई भी बुक बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश को लेकर के. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, जंबल, इडियम्स एंड फ्रेजेस. इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग, बाकी आप पूरा वीडियो देख करके ट्रिक्स, शॉर्टकट, टेक्निक्स, ये सब चीज़ें वीडियो से सीख सकते हो, बाकी आपके लेक्चर्स तो हो गए. तो इंग्लिश आपका सो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग करके अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो डेटा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश के अंदर. ओके, तो ये करना आप चालू कर दो रीडिंग पार्ट. लॉजिक में कोई टेंशन नहीं है, जब भी आपका लेक्चर होगा
आप लेक्चर के साथ प्री वर्क करके फिर लेक्चर अटेंड करना और फिर प्रैक्टिस करना, आराम से लॉजिक हो जाएगा। ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के अपन फुल लेवल पे, ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के वी नीड टू लर्न ऑल काइंड ऑफ अ शॉर्टकट, तो आपको सारे शॉर्टकट सीखने को मिल जाएंगे। वर्बल क्रिटिकल को लेकर के आपको सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी, एंड एनालिटिकल को लेकर के आपका अप्रोच लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो लॉजिक को लेकर बिंदास रहो। इफ़ यू हैव ज्वाइन मैन्यूअर तो आपको लॉजिक में भी एंड अदर सेक्शन में भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके एंड से इनपुट चाहिए, मतलब आप मेहनत करने के लिए रेडी रहो, प्रैक्टिस करने के लिए रेडी रहो, एंड द गाइडेंस एंड द स्ट्रैटेजी मेंटरशिप विच वी आर गिविंग यू जस्ट फॉलो इट, ओके। डेफिनेटली अपना सिलेक्शन होगा, वी विल हिट गुड स्कोर। बाकी नेक्स्ट इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। बहुत ही कम लोगों के पास कॉन्क्रीट डेटा है महाराष्ट्र सीटी को लेकर के व्हेन इट्स कम टू द कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो इसके वीडियोस भी है और इसके हैंडआउट्स भी आपके पोर्टल पे, एंड मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस है, उतना आप गो थ्रू कर लो, सफिशेंट है, ठीक है। तो बहुत ही सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट सिलेबस फॉर योर महाराष्ट्र MCA CET एग्जामिनेशन, एंड एट प्रिपरेशन वाइज दिस इज वॉट द स्टेप वी फॉलो एट मेन्यूअर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। बिफोर यू कम फॉर द क्लास प्री रिकॉर्डेड वीडियोज आपको देख के आने, उसके बाद लाइव क्लास और द क्लासरूम जो आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बुक से, एंड देन यू हैव टू इवेल्युएट योर सेल्फ टॉपिक टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज वॉट द 4 स्टेप प्रिपरेशन यू हैव टू डू इफ यू वॉन्ट टू क्रैक महाराष्ट्र MCA CET विथ गुड स्कोर गुड परसेंटाइल। ऑलराइट, सो एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पोर्टल डैशबोर्ड, तो ये आपका मैथमेटिक्स है, स्पीड मैथ्स के 7 वीडियोज़ हैं, परसेंटेज के ये सारे वीडियोज़ हैं, मोर देन 10 वीडियोज़, तो ये सारे वीडियोज़ देख के ख़त्म करो मैथ्स से। इंग्लिश में एज आई मैंशन अबाउट द ग्रामर पार्ट, सो आर्टिकल नाउन प्रोनाउन ये सारे वीडियोज़ आपको देखने हैं, वीडियो देख करके हैंड आउट्स भी डाउनलोड करने हैं, तो हैंड आउट्स का भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और जैसा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को लेकर के ये सारे वीडियोज़ हैं, तो इसको ख़त्म करो गाइस, ओके। और इंग्लिश को लेकर के भी यू कैन फिनिश ऑल दी वीडियोस। हैंडआउट्स में आपको इंग्लिश से ये ग्रामर रूल का जो हैंडआउट्स है, लेट मी ओपन इट, हाँ, इसको डाउनलोड कर लो। ये सारे वो रूल है जो एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए, तो चांसेस है कि यही टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये हैंडआउट्स प्लस आपका वीडियो जब भी देखोगे, तो हैंडआउट्स में अगर कुछ रूल ऐड नहीं है तो आप वीडियो के जो भी नए रूल आपको मिल रहे वीडियो देखने के बाद, उसको आप इसमें लिस्ट आउट कर दो और इसका प्रिंट आउट ले लो। सो वाइल यू आर ट्रैवलिंग तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट सारे रूल्स हमें याद हो। 5 मार्क्स का आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ये रूल्स आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ओके। और इंग्लिश को लेकर के एज आई मेंशन प्रैक्टिस करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो 500+ क्वेश्चन का RC वाला क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस, सो ये आपका पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ओके। वैसे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को लेकर के ऑल द हैंडआउट्स आर गिवन, तो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस डेटा, और इसके अंदर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी मॉक के अंदर क्वेश्चन है, लेक्चर में आपके क्वेश्चन होंगे, तो काफ़ी लेवल पे हम प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप एवरीथिंग आई हैव क्लियर कि क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें प्री प्लानिंग में ले लेनी है। तो आपके पास जो भी मैंने वर्कआउट दे दिया, होमवर्क दे दिया हुआ है, ग्रामर को लेकर, न्यूज़पेपर को लेकर के, मैथ्स को लेकर के, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को लेकर के, वो प्रिपरेशन आज से चालू कर दो। डैशबोर्ड का एक्सेस ले लो क्रैश कोर्स के लिए, एंड टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स प्रोग्राम यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। 2022 एंड 23 की भी बैचेस लॉन्च हो गई है, ऑलरेडी लोगों ने 3-4-5 महीने से ही चालू कर दिया 2023, बिकॉज दे आर टारगेटिंग ओनली VGTI या तो फिर SP जाना है, इसके नीचे कोई कॉलेज नहीं चाहिए। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि भाई ये वाला कॉलेज चाहिए, तो अभी से मेहनत करूँगा मैं, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस। एंड क्लासरूम के लिए एज आई मेंशन यू कैन विजिट आवर सेंटर, एंड डू सब्सक्राइब आवर सेपरेट यूट्यूब चैनल विच इज नथिंग बट मेन्यूअर MCA एंट्रेंस। सो ऑल द लिंक विथ रिगार्ड्स टू द प्रोग्राम एंड द सोशल मीडिया लिंक आई हैव मेंशन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।